अरे बेटा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्यों बैठी हो यहाँ अकेली? नींद नहीं आ रही थी, अंदर घुटन हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर बैठ जाऊं। मैं जानती हूँ तुम अदनान के रवैये की वजह से परेशान हो, लेकिन उसका भी तो सोचो ना। वो शानों की वजह से कितना फिक्रमंद है। हादसा भी तो इतना बड़ा हो गया ना हम लोगों के साथ। अच्छा, एक बात कहनी थी बेटा। ये बात अपने मैकेनिक किसी से ना करना, इसलिए कि उनको तकलीफ होगी और फिर तुम्हारी भी सुबकी होगी। बेटा, शादीशुदा औरतों की जिंदगी में ऐसे मसाइल आते ही रहते हैं, लेकिन एक औरत भी है जो न सिर्फ मर्द का बल्कि उसके पूरे खानदान का भरम रखती है। समझ रही हो ना मेरी बात? जी अम्मी, समझती हूँ। देखो कितना प्यारा है ना, सारी चीजें ही बहुत खूबसूरत है, और खास तौर पे ये जोड़ा बहुत खूबसूरत है। तुम्हें शौक भी तो कितना था इतनी खूबसूरत चीजों का, तुम पे जचेगा भी बहुत। पता है शर्मी, जब तुम्हारी मंगनी हुई थी ना, मेरा बड़ा दिल था कि तुम्हारे जैसे मंगनी का जोड़ा, तुम्हारे जैसे मंगनी की अंगूठी मुझे मिले, और ऐसा ससुराल और ऐसी खूबसूरत खूबसूरत चीजें, और देखो मिल गई ना। वैसे एक बात बताओ, अगर इंसान कोई सच्चे दिल से चाहे ना, तो अल्लाह से जरूर देता है ना? पता नहीं क्या मतलब, तुझे क्या नहीं मिला? कुछ नहीं। वैसे अदनान कुछ अजीब सा नहीं लग रहा था इस दफा? अजीब सा? हाँ, जैसे बेजार हो, बात ना करना चाह रहा हो। हाँ, मैंने भी नोट किया था, बात को तो टुकड़ा सा जवाब दे देता है, जैसे जान छुड़ा रहा हो। देखो, वो अपनी बहन के बेवा होने पर आया, अब तुम लोगों के साथ बैठकर हंसी मजाक तो करने से रहा। अब अदनान से बात हुई थी तुम्हारी? जी। फोन है यहाँ पे, तुम उससे बात करती रहना, आजाद नहीं छोड़ना। मर्दों को जरा सी आजादी दो ना, तो ये अय्याशी में पड़ जाते हैं, पता है? अदनान ऐसे नहीं है बाजी। अल्लाह करे ऐसा ही हो भाई, हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं।